आज मैं आपके साथ चिकन की बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी सेजवान चिकन 65 की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, सेजवान चिकन 65 बेसिकली चिकन फ्राई होता है जिसको हॉट, सावर एंड स्पाइसी सॉस में टॉस कर बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शेयर करूँगी बहुत ही इजी वे में रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन 65। ये घर में कैसे बनेगी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सेजवान चिकन 65 बनाने के लिए बोनलेस चिकन लेना है। मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और उसे क्यूब शेप में कट कर लिया है। चूँकि मुझे सेजवान चिकन 65 बनानी है, इसलिए मैंने चिंग्स का सेजवान चटनी लिया है। चिंग्स सेजवान चटनी टेस्ट वाइज बहुत ही स्पाइसी होता है और मार्केट में भी बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून लेना है, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर मैंने 1 पिंच ली है, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए। अब एक अलग बोल में मैंने अंडे ले लिए और अंडे को अच्छे से बीट कर लिया है और इस बीट किए हुए अंडे को हमें चिकन में शामिल करना है। बीटन एग और सारे मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के अंदर सारे मसाले की फ्लेवर अच्छे से मिल जाए। ये देखिए, चिकन के अंदर सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हमें कॉर्नफ्लोर डालना है, आप कोई सी भी कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल लेना है, 1 टेबल स्पून मैदा डालना है, 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर डालना है और लास्ट में मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है। सोया सॉस भी मैंने चिंग्स का यूज़ किया है। चिंग्स के सारे सॉस बहुत ही अच्छे होते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। कॉर्नफ्लोर, मैदा, राइस फ्लोर इन सबको चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चिकन के ऊपर अच्छे से एक कोटिंग हो जाए। और अब इन सबको मिक्स करके हमें 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। फिर इस मैरिनेटेड चिकन को हम डीप फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई ली है मैंने और कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है और इस तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, आप हाथ से इस तरह से देख सकते हैं कि तेल गर्म है या नहीं। अगर तेल गर्म नहीं होगा तो चिकन फिर आपस में चिपक जाएंगे और फिर जब हम चिकन डालेंगे तो उसके पीसेस हटा हटा के डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से रखना है। मैंने सारे पीसेस को डाल लिया है और एक तरफ से ये देखिए, इस तरह से बस हल्के हाथों से एक बार घुमाऊंगी। इस टाइम में फ्लेम हमारी मीडियम टू हाई होगी और इसे डीप फ्राई करना है। चिकन में अच्छा कलर आने लगा है, देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं एक बार चेक कर लूँगी, एक फोक से मैं इसे देखूँगी। देखिए, कड़ाड़ा ऊपर से अच्छा सा कड़ाड़ापन आया है चिकन के ऊपर, तो ये चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे मैं डिश आउट कर लूँगी और इसी बचे हुए तेल में मैं चिकन के बचे हुए पीसेस को फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपको ख्याल रखना है इस बात का कि जब भी आप चिकन फ्राई कर रहे हो तो इसको आप एक एक पीस अलग अलग करके रखें। जब भी आप एक साथ रखेंगे तो ये आपस में चिपक जाएगा। और ये देखिए, ये भी उसी तरह से फ्राई करना है, इसका भी कलर चेंज होने लगा है। फ्रेंड्स, चिकन 65 एक तरह की फ्राई चिकन डिश है जिसे एक सॉसी ग्रेवी के साथ तैयार किया जाता है और ये बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में। तो देखिए, इस चिकन का भी कलर चेंज हो गया है, इसे भी डिश आउट कर लेते हैं। तो चलिए, चिकन फ्राई तो तैयार है, अब इसका सॉस रेडी करते हैं। मैंने एक पैन गरम कर लिया है और पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो 1 टेबल स्पून ब्लैक मस्टर्ड सीड डालनी है, यानी राई। 1 टेबल स्पून गार्लिक डालना है, चॉप्ड गार्लिक 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, और मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है जिसे स्लाइटली कट कर लिया है और इसे 1 से 2 मिनट तक सॉटे करना है। 1 से 2 मिनट तक सॉटे करने के बाद अब इसमें मुझे कड़ी पत्ता डालनी है। मैंने 2 टेबल स्पून कड़ी पत्ता लिया है, अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता हो तो आप वो यूज़ कीजिए, हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने सूखा कड़ी पत्ता डाला है।
और अब इस तड़के में सेजवान सॉस डालना है, तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सेजवान सॉस डाला है। सेजवान सॉस डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए चला लेना है। मैंने एक बोल में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इस तड़के में डाल दिया है। और देखिए इस तरह से ये एक सॉस तैयार है। और अब इसमें हमें चिकन डालना है, जो फ्राई किया हुआ चिकन था, बस इसे इस तरह से मिलाकर और टॉस कर देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। बस तैयार हो गया हमारा सेजवान चिकन 65। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और बस इस फ्राइड चिकन को इस सॉस में 1 से 2 मिनट तक के लिए टॉस करना है और फिर अब ये रेडी है। तो चलिए अब गर्मा गर्म सर्व करते हैं इसे। सेजवान चिकन 65 को आप स्टार्टर में या फिर स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े की लगती है। ये रहा गर्मा गर्म सेजवान चिकन 65, जिसे मैंने चिंग सेजवान चटनी के साथ बनाई है। तो आप भी फ्रेंड्स चिंग सेजवान सॉस या चटनी ज़रूर यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना